हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एक और शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है मुल्क राज आनंद ने। और इस स्टोरी के टाइटल की बात की जाए तो आपको इस स्टोरी के लास्ट तक में पता चल जाएगा कि इस स्टोरी का टाइटल ये क्यों है। ये शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी 1929 में। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले हम लोग मुल्क राज आनंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इनका जन्म 12 दिसंबर 1905 पेशावर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। लेकिन इनके जन्म के समय पाकिस्तान जो था वो इंडिया में ही था, तो ये एक इंडियन राइटर ही कहलाएंगे। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2004 एट द एज ऑफ 98 पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो ये एक राइटर थे। इनके नोटेबल वर्क्स हैं कूली, अनटचेबल्स। नोटेबल अवार्ड्स हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971, पद्म भूषण अवार्ड 1968, इंटरनेशनल पीस प्राइज 1953। इन सारे अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी का दो मेन कैरेक्टर है। एक है नैरेटर जो इस स्टोरी को बता रहा है, इस स्टोरी में नैरेटर का कोई नाम नहीं है। और एक है चंदू, नैरेटर का एक फ्रेंड जो एक बार्बर का बेटा है। नैरेटर जो है वो एक हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करता है और चंदू जो है वो एक बार्बर फैमिली से बिलोंग करता है, उसके फादर एक बार्बर है। तो नैरेटर हमें बताता है कि इंडियन हिस्ट्री में जितने भी नाम हैं उन सब में चंदू का भी एक नाम लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसे काम किए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं चंदू ने ऐसे क्या काम किए हैं। तो नैरेटर बताता है कि चंदू और नैरेटर बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। चंदू का माइंड बहुत शार्प रहता है और वो कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत दिमाग लगा के करता है। जैसे कि वो मधुमक्खी पकड़ता है और उसके विष को उसके पूंछ के तरफ से निकाल देता है और उसके पैरों में धागा बांध के उसे उड़ाता है। या फिर वो पतंग बहुत अच्छा बना लेता है और वो पतंग उड़ाता है। वो ट्राई करता है कि वो भी पकड़े मधुमक्खी को नैरेटर, लेकिन उससे वो हो नहीं पाता। जैसे ही वो जाता है पकड़ने तो उसे उसके मुंह पे आके काट लेती हैं। तो ये सबसे बताता है कि जो चंदू था ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर था, बहुत ज़्यादा स्किल्ड था। और पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई में उतना चंदू अच्छा नहीं था, क्योंकि उसे पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिलता था। उसके जो फादर थे वो उससे कहते थे कि तुम इसका शेविंग करके आओ, तो तुम इसके बाल काट के आओ, और उसे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन नैरेटर बताता है कि वो पोएट्री को रिसाइट बहुत अच्छा करता था, पोएट्री पढ़ता बहुत अच्छा था। अब चंदू जो है, क्योंकि ये एक लो कास्ट फैमिली से बिलोंग करता है, एक बार्बर फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए स्कूल में इसे एक स्कॉलरशिप मिली हुई है जिसकी वजह से इसे फ़ी नहीं देनी पड़ती स्कूल में। वहीं जो नैरेटर है उसे फ़ी देनी पड़ती है। तो इस वजह से जो नैरेटर की मदर है वो बहुत ज़्यादा जलती है चंदू से कि इसे तो फ़ी नहीं देना पड़ता और मेरे बेटे को फ़ी देना पड़ता है। और वो हमेशा नैरेटर से कहती थी कि तुम उसके साथ खेलने नहीं जाओगे, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो एक लो कास्ट फैमिली से बिलोंग करता है, तुम एक हाई कास्ट के लड़के हो, तुम्हें हाई कास्ट वाले लड़कों के साथ खेलना चाहिए। नैरेटर की मदर उसके सर पे टीका लगाती थी जो कि एक सिंबल था उसकी हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करने का। नैरेटर के कपड़े भी जो थे वो चंदू के कपड़े से थोड़े अलग होते थे, थोड़े अच्छे होते थे। तो नैरेटर अपनी माँ की बातों को सुन के सोचता है कि मैंने तो अपने पूर्वजों से ऐसा कुछ इनहेरिट नहीं किया है कि मैं एक हाई कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो मुझे लो कास्ट के लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह। नैरेटर ये सब कुछ में विश्वास नहीं करता और वो चंदू से अपनी फ्रेंडशिप को अच्छे से रखता है। फिर कुछ दिनों के बाद जो चंदू के फादर हैं उनकी प्लेग के वजह से डेथ हो जाती है। अब फादर के डेथ के बाद चंदू पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाता है। घर में बस चंदू है और उसकी मदर है। चंदू दिन भर लोगों के घर जाता है उनके बाल काटने, उनकी शेविंग करने। और एक लॉयर है उनके गांव में जो कि एक कैरियज से जाते हैं, तो नहीं बच्चे उस कैरियज के पीछे बैठ जाते हैं और उस कैरियज को चलाने वाले लोग को पता भी नहीं चलता। तो वैसे ही चंदू बैठ जाता है और 5-5 माइल्स तक वो ट्रैवल करता है, पूरा घूमता है अपने गाँव में। ये सब देख के नैरेटर को भी बहुत मन करता है कि काश मैं भी ये सब कर पाता, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे ये सब अलाउ नहीं करते थे।
फिर जब भी ये लोग खेलने के लिए मिलते थे, चंदू जो था वो नैरेटर से कहता था कि जो हमारे गांव का डेंटिस्ट है, तुमने उसकी यूनिफॉर्म देखी है? उसको वो कितना अच्छा लेदर का कोट पहनता है, उसकी पैंट एकदम शाइनी है, वो लेदर का शूज़ पहनता है, एक पगड़ी पहनता है, कितना अच्छा उसका लुक लगता है। फिर वो बोलता है कि वो डेंटिस्ट कितना चमत्कार करता है, कि लोगों के सड़े हुए दांत को चेंज कर देता है, नया बना देता है। और वो नैरेटर से कहता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ उस डेंटिस्ट के इतना, लेकिन मैंने अपने फादर से कुछ कुछ चीज़ें सीखी हैं, जैसे पिंपल्स को दूर करना, या फिर शेविंग करते वक्त अगर कट जाए तो उसे ठीक कैसे करते हैं। तो अगर मैं डेंटिस्ट के जैसे कपड़े पहनूंगा तो मेरे पे कैसा लगेगा वो कपड़े, मैं कैसा दिखूंगा उन कपड़ों में। फिर चंदू बोलता है कि मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मैं अपनी मदर के पास से कुछ पैसे चुरा लूँ और जाके उस डेंटिस्ट के जैसे कपड़े खरीद करके पहनूँ, मेरे पे बहुत अच्छा लगेगा ना। तो नैरेटर कहता है कि हाँ, तुम पे अच्छा लगेगा। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि चंदू जो है वो नैरेटर के घर आता है। जैसे ही नैरेटर दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि चंदू ने वैसे ही कपड़े पहने हैं, वैसे ही लेदर का जैकेट है, वैसे ही शाइनी पैंट है, और वैसे ही पगड़ी है, जूते हैं लेदर के, और एक पर्स है जिसमें कि वो अपना बार्बर वाला सामान रखा है। और वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हो जाता है नैरेटर के सामने, पूछता है मैं कैसा लग रहा हूँ। तो नैरेटर बोलता है कि हाँ, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। उस दिन चंदू बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था उन नए कपड़ों को पहन करके। फिर चंदू बोलता है कि मैं जाता हूँ, मैं जिस लैंडलॉर्ड की शेविंग करता हूँ डेली, मैं जाके उन्हें अपने कपड़े दिखा के आता हूँ, वो बहुत खुश होंगे मेरे कपड़े देख के। वो बहुत एक्साइटमेंट में जाता है, और जितने भी रास्ते में उसे गंदा पानी या गोबर वगैरह दिख रहा था, वो सबसे एकदम बच के संभलते संभलते जाता है, और नैरेटर भी उसके साथ साथ जाता है। तो जैसे ही वो लैंडलॉर्ड के घर जाता है, उसे लैंडलॉर्ड देखता है, तो वो जो लैंडलॉर्ड था वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो पूरा गुस्सा होकर बोलता है कि तुमने मेरा पूरा घर खराब कर दिया, घर नाश कर दिया, और मुझे अपने घर को अब फिर से गोबर से धोना पड़ेगा ताकि घर मेरा शुद्ध हो जाए। पहले के ज़माने में नहीं लोग गोबर से घर को धोते थे, तो वैसे ही। और फिर बोलता है कि तुम ये लेदर का कपड़े पहन के आए हो, पता नहीं ये किस एनिमल के स्किन से बना होगा। तो फिर चंदू बोलता है कि हमारे गांव के डेंटिस्ट भी तो ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो लैंडलॉर्ड बोलता है कि वो तो हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं, तुम्हारी तरह लो कास्ट के नहीं हैं, तुम जिस कास्ट में हो तुम उसी टाइप के कपड़े पहनो, तुम्हें ये सब कपड़े पहनने का कोई हक नहीं है। ये सब सुन के चंदू को बहुत बुरा लगता है, उसका दिल पूरा टूट जाता है, फिर वो जाने लगता है। तो नैरेटर उसे चिल्ला के बोलता है कि तुम हमारे गांव के पंडित के पास जाओ और उनसे कहो कि क्या ये कपड़े ख़राब है, और वो हो सकता है तुम्हारी मदद करे। तो जैसे ही ये सब नैरेटर बोलता है, तो जो उस गांव का पंडित था वो उसी लैंडलॉर्ड के घर उस वक्त गया हुआ था कुछ काम से, तो वो उसके घर से निकलता है और वो कहता है कि मैं लैंडलॉर्ड की बातों से पूरा अग्री करता हूँ, तुम्हारे जैसे लो कास्ट फैमिली को ये सब कपड़े पहनना एकदम शोभा नहीं देता। तुम्हें भगवान ने इतना अधिकार दिया है कि तुम हम जैसे हाई कास्ट वाले फैमिली के फेस को टच कर सकते हो, और हमारे बाल काट सकते हो, शेविंग कर सकते हो, तुम इतने में ही खुश रहो, इससे ज़्यादा कि तुम इच्छा नहीं करो। तो ये सारी बातें चंदू सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है, वो दौड़ के अपने घर की तरफ भागने लगता है। तो नैरेटर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चंदू नहीं रुकता। तो नैरेटर सोचता है कि अब शायद मेरी चंदू के साथ फ्रेंडशिप टूट जाएगी, वो ये सोचेगा कि मैं भी इन्हीं लोगों की तरह हूँ, हाई कास्ट की फैमिली का एक बच्चा, वो मुझसे भी अब कभी बात नहीं करेगा। तो वो घर जाता है, तो उसकी मम्मी कहती है तुम स्कूल जाओ, तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। तो वो सोचता है कि मैं मना करूं, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैं मना करूंगा तो फिर से मेरी मम्मी शुरू हो जाएगी कि वो लो कास्ट का है, तुम मत खेलो ये वो, तो इसलिए वो स्कूल चला जाता है। और जैसे ही वो स्कूल से वापस आता है, वो जाता है चंदू के घर। चंदू के घर जाता है तो वो चंदू की मदर से पूछता है कि चंदू यहाँ पे है? तो वो उसकी मदर कहती है कि नहीं, चंदू तो यहाँ पे नहीं है। तो फिर वो वापस आ जाता है। तो उस दिन दोपहर हो जाता है और नैरेटर अपने घर में रहता है, चंदू की चिंता करता है कि वो कहाँ होगा, पता नहीं कहाँ होगा। फिर उसके बाद उसे चंदू की सीटी सुनाई देती है। एक्चुअली इन लोगों ने यह तय किया था कि अगर हमें मिलना होगा तो हम लोग एक दूसरे के घर के पास आके सीटी बजाएंगे। तो वैसे ही उसे सीटी सुनाई देती है चंदू की। तो वो दौड़ के जाता है घर के बाहर, तो देखता है जो वहाँ पर चंदू था। तो नैरेटर बहुत खुश हो जाता है अंदर ही अंदर। फिर ये लोग बात करने लगते हैं और चंदू बताता है नैरेटर को कि मैंने एक तरीका सोचा है जिसकी वजह से आज मेरा जो इन लोगों ने मजाक उड़ाया है ना, मैं उसे उसका सबक इन्हें सिखा सकूँ। तो वो बताता है कि मैं अब इनके घर शेविंग करने नहीं जाऊँगा, मैं अब एक स्ट्राइक पे हूँ। फिर चंदू बोलता है कि जो हमारे गांव के लॉयर है ना, उसके बेटे से मैंने बात कर ली है, और मैं 4 रुपए में एक साइकिल ख़रीद रहा हूँ, और मैं उस साइकिल को चलाना सीखूँगा, और मैं
पूरे गांव में उस साइकिल से राइड करूंगा इन्हीं कपड़ों में, कपड़ों को पहन करके, और सब लोगों को देखूंगा कि कैसे कैसे वो लोग लग रहे हैं बिना शेविंग के। फिर चंदू साइकिल खरीद लेता है और नरेटर और चंदू मिलके उस साइकिल को चलाना सीखने लगते हैं। तो जब वो लोग साइकिल सीख रहे होते हैं तो जो भी उस गांव के आदमी थे, जो भी साहूकार वगैरह थे, वो लोग सब चंदू को देख के हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि देखो ये लड़का अभी तक नहीं सुधरा, ये अभी तक नहीं समझा कि ये एक लो कास्ट का है तो ये सब चीज़ें इसे नहीं करनी चाहिए और फिर भी ये कर रहा है। ये गिरेगा जब तक इसकी हड्डी टूटेगा नहीं, ये मरेगा नहीं तब तक इसे इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें चंदू बोलता है नरेटर को कि तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दो, लास्ट में देखना कौन किस पे हंसता है। फिर चंदू साइकिल चलाना सीख लेता है और वो साइकिल चलाता है, पूरे गांव में घूमता है साइकिल से। और फिर कुछ दिनों के बाद जब नरेटर और चंदू मिलते हैं तो चंदू बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ जिसे देख के तुम हंसते हंसते बेहोश हो जाओगे। तो नरेटर जाता है चंदू के साथ और वो लोग एक बनियान ट्री के पास जाता है तो देखता है कि कुछ लोग, गांव के लोग जो थे वहाँ पे बैठे हुए थे और कुछ बातें कर रहे थे, साहूकार वगैरह, लैंडलॉर्ड वगैरह जो भी थे वो लोग थे। तो नरेटर दिखाता है कि देखो ये लोग सबके कितने बड़े बड़े बाल हो गए हैं और सबकी गोल्डन कलर की दाढ़ी आ गई है और किसी किसी की वाइट दाढ़ी आ गई है, जिसको देख के लग रहा है कि ये लोग अब बूढ़ा होने लगा है और सबके सब अजीब दिख रहे होते हैं एकदम किसी एनिमल की तरह। तो उन लोगों को देख के जो नैरेटर था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और चंदू उसे रोकता है कि नहीं तुम इतने ज़ोर से क्यों हंस रहे हो, उन्हें पता चल जाएगा और फिर हम लोग पकड़े जाएंगे। फिर उसके बाद नैरेटर जो था वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है बीवर बीवर, एक्चुअली बीवर एक एनिमल का नाम है जिसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, तो इसलिए उन्हें टीज करने के लिए नैरेटर चिल्लाता है बीवर बीवर। तो वो जो जो भी साहूकार वगैरह थे उन सबका ध्यान आ जाता है इधर और वो लोग देख लेते हैं नैरेटर को। तो नैरेटर वहाँ से भाग जाता है और वो लोग सब बात करने लगते हैं कि ये चंदू का फ्रेंड है, ये लोग की मिली भगत है ये वो। फिर उसी दिन के बाद ये खबर पूरे गांव में फैल जाता है कि चंदू अब एक स्ट्राइक पे है और अब वो इन लोगों का शेविंग नहीं करेगा। फिर उसके बाद उस गांव में जितने भी साहूकार थे, जितने भी लैंडलॉर्ड थे, उन सबकी फैमिली ही अब उन पर हंस रही थी। वो लोग जैसे दिख रहे थे बड़े बालों के साथ, बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ, अजीब से फ़नी दिख रहे थे, तो उनकी फैमिली ही उन पर हंसती थी। और एक की तो वाइफ उससे कहती है कि मैं तुमसे 20 साल छोटी लग रही हूँ अभी, जब तक तुम शेव करते थे तब तक मैं, हम दोनों एक एज के लगते थे, लेकिन अब मैं तुमसे 20 साल छोटी लग रही हूँ और तुम शेव नहीं करोगे तो मैं किसी और के साथ भाग जाऊँगी। तो ये सब होता है और फिर कुछ दिनों के बाद जितने भी लैंडलॉर्ड और साहूकार थे वो लोग सब मिलके प्लान बनाते हैं कि हम लोग अब दूसरे नाई को बुलाएंगे, दूसरे बारबर को बुलाएंगे। तो जो दूसरा बारबर ये लोग बुलाते हैं वो चंदू का भाई ही रहता है, तो चंदू के मना करने पे वो भी नहीं करता है, इन लोगों की शेविंग नहीं करता है, वो भी इन लोगों की बाल वगैरह नहीं काटता है। अब जो भी साहूकार और जो भी लैंडलॉर्ड थे ये लोग सब उसकी मम्मी पे प्रेशर देने लगते हैं कि तुम्हारा बेटा ये सब क्यों कर रहा है, तुम्हारे बेटे को समझाओ, वो उसका काम है हम लोगों के बाल काटना, हम लोगों की शेविंग करना, वो ये सब नहीं कर सकता नहीं तो हम लोग उसे पुलिस को दे देंगे ये वो। तो उसकी जो मदर है वो भी चंदू का सपोर्ट करती है और वो बोलती है कि नहीं मेरा बेटा सही कर रहा है। फिर उसके बाद चंदू जो है वो सारे जितने भी वहाँ पे आसपास के जितने भी बारबर सब थे उन सबसे बात करता है और एक बारबर यूनियन तैयार करता है और सबको बोलता है कि अब हम नहीं जाएंगे इनके यहाँ शेविंग करने, अब ये लोग को आना होगा हमारे यहाँ शेविंग करवाने। तो इसलिए इस स्टोरी का नाम है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, क्योंकि चंदू जो है वो सभी बार्बर्स के साथ मिलके एक यूनियन तैयार कराता है, एक ट्रेड यूनियन। तो कैसे लगी आज की स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड थैंक यू।